दिल्ली NCR में एक बार फिर भीषण गर्मी के सितम का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है। इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहे, जिससे ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों को पूरी दिल्ली का मानक माना जाता है। वहां पर अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। IMD का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली में अगले गुरुवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल अप्रैल में अब तक 8 दिन ऐसे रहे जब भीषण गर्मी का प्रकोप रहा है। इससे ज्यादा भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या साल 2010 के अप्रैल महीने में 11 दिन रहा था। मौसम विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री हो और यह सामान्य से कम 4.5 डिग्री अधिक हो। IMD ने बताया कि सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक तापमान होने पर गंभीर भीषण गर्मी की घोषणा की जाती है। दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि अप्रैल में महीने में दिल्ली में सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड 29 अप्रैल 1941 का है। तब अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 22.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 27 से 55% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ बना रहेगा और तेज हवा चलने का अनुमान है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और यहां भी आसमान साफ बना रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम श्रेणी में 180 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा में AQI खराब श्रेणी में 216, जबकि गुरुग्राम में मध्यम श्रेणी में AQI 197 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में एक बार फिर से मौसम साफ होने के साथ साथ तेज धूप निकलने की वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हीट वेव की स्थिति बनेगी। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में यूपी में तापमान बढ़ेगा। यही कारण है कि 23 से 26 अप्रैल के दौरान दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और 24 से 26 अप्रैल के दौरान दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।